नमस्कार दोस्तों फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ दोस्तों इस वीडियो में आप देख सकते हैं मेरे हाथ में है जियोनी मैक्स मोबाइल और इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने मोबाइल में फोटो को हाइड कैसे कर सकते हैं फोटो वीडियो या कोई भी डॉक्यूमेंट आप कैसे हाइड कर सकते हैं अपनी गैलरी में से तो चलिए इस वीडियो में हम देख लेते हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसके लिए आपको चले जाना है यहाँ पे प्ले स्टोर में और यहाँ पे आपको सर्च बॉक्स में टाइप कर देना है वॉल्ट और यहाँ पे आपको यूसी वॉल्ट यहाँ पे दिखाई देगा तो आप इस पर क्लिक कर लेंगे और इसके बाद इंस्टॉल पे क्लिक कर लेंगे और इसके बाद यहाँ पे, पे आपको ओपन कर देना है इसको और इसको भी आप अलाउ कर देंगे और इसके बाद यहाँ पे अपनी पसंद का पासवर्ड एंटर कर लेंगे जैसे मैं डाल लेती हूँ वन टू थ्री फोर और इसके बाद दोबारा से कन्फर्म करना है वन टू थ्री फोर और इसके बाद यहाँ पे आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन सेट करने के लिए बोला जा रहा है अपने बैकअप के लिए तो यहाँ पे जैसे कि आप ऐप लॉक वगैरह भूल जाते हो तो उसको आपको रिकवर करने में आसानी रहती है तो यहाँ पे आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन डाल देना है तो योर फादर नेम तो यहाँ पे आप ऐसे करके चेंज भी कर सकते हैं तो यहाँ पे आप कुछ भी डाल लेंगे चाहे आपका पेट नेम बर्थडे और फेवरेट मूवी वगैरह तो यहाँ पे मैं माय मदर नेम पे क्लिक कर दूँगी और यहाँ पे आपको क्लिक करके अपनी मदर का नाम डाल देना है और इसके बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है और इसके बाद यहाँ पे आपको बैकअप के लिए अपना ई मेल चूज़ कर लेना है तो मैं ये वाला ई मेल चूज़ कर लूँगी और इसके बाद ओके कर दूंगी और इसके बाद आपको क्या कर लेना है यहाँ पे प्लस के निशान पे जाना है आप इस पे जाने से पहले एक चीज़ का ध्यान रख लेंगे कि यहाँ से आपको इंटरनेट कनेक्शन डिसकनेक्ट कर देना है और उसके बाद इस एप्लीकेशन का यूज़ करना है तो प्लस के निशान पे जाने के बाद यहाँ पे आप फोटो वीडियो भी ले सकते हैं और यहाँ से फोटो खींच भी सकते हैं और फ़ाइल भी इम्पोर्ट कर सकते हैं तो यहाँ पे मैं इम्पोर्ट फ़ोटो पे क्लिक करूंगी और इसके बाद यहाँ से कोई सी भी फ़ोटो सेलेक्ट कर लूँगी चेक माक हो जाएगा और इसके बाद ऐड पे क्लिक कर दूँगी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फोटो मेरी ऐड हो चुकी है और इसके बाद यहाँ पर कुछ सेटिंग्स और कर लेनी है आपको यहाँ पर आप टू डॉट पर जाएंगे ये जो टू लाइन है इस पे जाके आप सेटिंग पे चले जाएंगे तो यहाँ से आप इसका पिन चेंज भी कर सकते हैं और इस एप्लीकेशन को अगर आप छुपाना चाहते हैं कि ये एप्लीकेशन ना पता चले कि ये हाइड एप्लीकेशन है तो इस पे आप क्लिक करके इसका जो आइकन का स्टाइल है इसको आप इसको भी चेंज कर सकते हैं क्लॉक में चेंज कर सकते हैं इसको म्यूजिक में और कैलेंडर में चेंज कर सकते हैं अगर मैं इस पर ऐसे करूँगी तो ये आपको क्लॉक के स्टाइल में दिखेगा तो लोग सोचेंगे कि ये क्लॉक है ये कोई अदर ऐप नहीं है इससे क्या होगा कि आपकी प्राइवेसी भी बनी रहेगी और इसको कोई बार बार खोलेगा नहीं तो इसको मैं खोल के आपको दिखा देती हूँ तो अपना पासवर्ड लगा लेंगे तो यहाँ से आपका ये दिख जाएगा आपको और अगर आपको फोटो यहाँ से हटानी है डिलीट करनी है तो इसके लिए आपको क्या करना है थ्री डॉट पे चले जाना है और इसके बाद सलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको ये ताला का निशान जो बना हुआ है इस पर क्लिक करना है और इसके बाद अनहाइड पे क्लिक कर देंगे तो ये यहाँ से अनहाइड हो गई है अब ये गैलरी में आपकी शो होने लग जाएगी तो यहाँ से मैं गैलरी में जाके आपको दिखा देती हूँ ये दोनों फ़ोटो यहाँ पे शो होने लग गई है तो इस टाइप से आप फोटो और वीडियो को हाइड कर सकते हैं अपने मोबाइल में तो आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा इसी टाइप के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए चैनल पर विजिट करते रहिएगा तो चलिए मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार